वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज के नाप से हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा ब्लाउज है और मैं आपको पूरा मेजरमेंट बताऊंगी कि आप परफेक्टली अपने ब्लाउज को फिटिंग के साथ कैसे कटिंग और स्टिचिंग करें। तो ये देखिए, ये हमारे पास ब्लाउज का फैब्रिक है और ये हमारे पास नाप का ब्लाउज है। अब आप देखेंगे कि इस ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि सबसे पहले आप अपने ब्लाउज को इस तरह से देखें पूरा अंदर से, और इसके बाद आपको अपने इंची टेप से चेस्ट के बाजू के नीचे की साइड में यहाँ से और यहाँ तक का इसका मेजरमेंट देख लेना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, फुल जो मेजरमेंट आ रहा है वो है 16.5 इंच। डबल में 16.5 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे आपको होगी 33 इंच। तो आपका चेस्ट कितना बना? 33 इंच। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कमर, कमर का हमारा कितना नाप हो सकता है। तो यहाँ पे हम 33 के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों को बिल्कुल बराबर में इस तरह से खींच कर लीजिएगा आगे पीछे के पार्ट्स को। यहाँ पे 13 आ रहा है तो ये 26 इंच यहाँ पे कमर हो रही है। तो 26 इंच कमर और 33 का है ये जो चेस्ट का ब्लाउज है। अब इसका आप बेल्ट का मेजरमेंट देखेंगे और उससे पहले हम देखेंगे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छी तरह से अपने ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। लेंथ आप आगे से नहीं, बिल्कुल ब्लाउज के पीछे से देखेंगे और उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे। तो ये हमारी जो लेंथ है, यहाँ पे देखिए 13 प्लस हाफ जो है वो तैयार लेंथ है इस ब्लाउज की, 13 प्लस हाफ इंच। तो आपको इस ब्लाउज को तैयार करने के लिए 14 इंच की लेंथ चाहिए होगी। अब हम आपको बेल्ट की कटिंग करना, जो जैसे ये 4 टक्स का ब्लाउज है, 4 टक्स के ब्लाउज में, 4 टक्स के ब्लाउज में बेल्ट की कटिंग हम कहाँ करते हैं? चेस्ट के थर्ड भाग में। तो आप 33 का थर्ड भाग लीजिएगा, 11 इंचेज। अब मैं आपको ये जो सिलाई है हमारी शोल्डर की, यहाँ से और चेस्ट का थर्ड भाग बताती हूँ। ये हो गया देखो 11 इंच हमारा तैयार। यहाँ पे ये देखिए, आप सिलाई देख रहे हैं, यहाँ तक का हमारा जो पार्ट है 11 इंच बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इसके बाद में क्या होता है कि हमें सिम का और ये जो डार्ट होती है इसका एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो ब्लाउज की लेंथ है वो ये बेल्ट पार्ट की कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना होता है, जब आप बेल्ट की ये कटिंग करो, ये वाला जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट पार्ट की जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमें चेस्ट का थर्ड भाग लेना होता है ऊपर के पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पे कितना आता है, 33 का थर्ड भाग 11 इंचेज, ठीक है। उसके बाद में ये डार्ट और ये स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, वो मैं आपको कटिंग में बताऊंगी। तो ये आपने समझ लिया होगा कि बेल्ट की कटिंग कैसे की जाती है। उसके बाद नीचे की जो ये क्रॉस पट्टी है, क्रॉस पट्टी की कैसे कटिंग की जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्रॉस पट्टी की कटिंग हमारे कमर के अकॉर्डिंग की जाती है। इसके बाद हम बाजू की नाप लेंगे, हमारी बाजू की लेंथ कितनी है। यहाँ पे 4 इंच तैयार बाजू की लेंथ है। यहाँ पे आप बाजू की जो बॉटम्स है वो देखेंगे, यहाँ पे बॉटम्स आ रहे हैं 5.5 इंच, उसका हो गया है 11.5 इंच। यहाँ पे बॉटम्स आ रहे हैं और जो नेक है वो यहाँ पे आप कितनी बनाएंगे तो देख रहे हैं हम यहाँ से। और नेक की जो लेंथ लेंगे वो आप देखिए 5.5 इंच, यहाँ पे नेक जो है वो तैयार है। इसी के अकॉर्डिंग आप 6 इंच या 5.5 इंच नेक की कटिंग कर सकते हैं। नेक की चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से देखनी होगी, यहाँ पे आपको नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोस्टली ब्लाउज से नाप लेकर के ब्लाउज की कटिंग करने का या नाप लेने का तरीका बताया है। अभी हम देखेंगे, आपको कटिंग भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर, तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से लाइनिंग के साथ में ब्लाउज की कटिंग की जाती है, जो बेकनेक है वो यहाँ पे कितना है। तो ये लगभग 8 इंच हमारा बेकनेक है, तो यहाँ पे 8 इंच है तो मैं 8 इंच बेकनेक की कटिंग करूंगी। तो इसके साथ ही आप, मैंने आपको नाप लेना यहाँ पे बता दिया है और अब मैं आपको कटिंग करना भी बताऊंगी। देखिए, ये है लाइनिंग का पार्ट्स, ये है ब्लाउज का पार्ट्स। मैंने लाइनिंग के पार्ट्स को धो लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग के पार्ट्स पे कटिंग करेंगे। तो कैसे करना होगा, देखो ये किनारी की साइड है। अगर आप सीख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें, और मेरी जो सीखने वाली बहनें हैं उन तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा।
अब इसे हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, आपको किनारे की साइड ये दिखाई दे रही है और ये हमारे यहाँ पे फोल्डेड साइड है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको जांचना है पहले कि इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 33 चेस्ट हैं, तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारा 1/4 होता है, उसके बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं तो 9 इंच हो जाता है, उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं तो टोटल 11 इंच हो जाता है। तो लगभग 11 इंच की ये फोल्डेड एरिया होनी चाहिए, तब हम अपने बेल्ट की ब्लाउज की यहाँ पे कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे 11:30 तक यहाँ पे फोल्डिंग कर ली है, तो ये देखिए 11:30 की फोल्डिंग हो चुकी है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब देखते हैं। ये देखिए 11:30 की यहाँ से और यहाँ तक की 11:30 की फोल्डिंग हो गई है। अब मैं इसको फिर 4 फोल्ड में करूंगी। 4 फोल्ड में कैसे किया जाएगा, क्योंकि मेरे पास में इतने इसकी लेंथ है जितने की मैं यहाँ पे, चलिए हम इसको ऐसे जांच लेते हैं। जैसे 14 इंच लेंथ लेनी है तो कितनी, 14.5, तो 14.5 पे पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ, तो ये हो गया है 14.5 इंच, ठीक है। ये हमारी बैक साइड होगी 14.5 की, ऐसे आप लाइन खींच लें ताकि आपको फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम 5 इंच नेक की विड्थ लेंगे, हम 2.5 इंच नेक बनाएंगे, हम 8 इंच का बैक साइड का, यहाँ से फिर हम लेंगे 5 इंच और जो आर्म होल है वो लेंगे हम 6.5 इंच। यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे ये पॉइंट लगा दिया है, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे, जैसे ये वाली लाइन है सीधी, आप देख सकते हैं अब मैंने कि कितना यहाँ पे शेप लगाया, बिल्कुल हल्का सा शेप लगा दिया है। यहाँ पे हम 1 इंच का बैक साइड का शेप लगाएंगे और ये शेप आपका ऐसे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आपका बैक साइड का शेप हो गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट 1/4 इंच और 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। कमर में लेंगे हम कमर का 4th पार्ट 6.5, 1/4 इंच की डाट यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब जो डाट लगाएंगे वो 1/4 इंच की लगाएंगे, हो गया 7.5 इंच। अब आप इस पार्ट्स को इस पार्ट्स में मिला दीजिए, मतलब फिटिंग लाइन को फिटिंग पॉइंट में मिलाइए। ये 2 इंच का मार्जिन है तो यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन रख लेते हैं, मार्जिन पॉइंट को ऐसे मार्जिन पॉइंट में मिला देते हैं। यहाँ पे हम 3/4 इंच पे बैक साइड की डार्ट लगाएंगे और डार्ट की लेंथ लेंगे हम 4.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे आपका नेक छोटा है तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, अगर आपका नेक डीप हो तो आप इसकी लेंथ घटा सकते हो और इसकी चौड़ाई भी घटा देना। जब आपकी लेंथ बढ़ जाए तो नीचे से चौड़ाई भी बढ़ा देना, जब आपकी लेंथ कम हो जाए तो आप नीचे से चौड़ाई भी कम कर देना। यहाँ पे देखो मैंने 1/4 इंच पूरा ऐड कर दिया, आप देखिए 1 इंच से ये कम है यहाँ पे, आप देखिए, और ये पूरा 1/4 इंच हमने यहाँ पे डार्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। मैंने बैक साइड पार्ट्स की कटिंग कर ली है, मैंने नेक लाइन नहीं कटिंग किया क्योंकि मैं इसमें कुछ डिजाइन लगाने वाली हूँ, बाकी मेरा पार्ट्स जो है कटिंग किया हुआ है और इसी के बराबर मैं अपने इस फैब्रिक को बराबर में कटिंग करूंगी। और ये दो आप कट लगा ले, एक तो इस पे जो हम डार्ट लगाएंगे वो वहां पे और एक इस पे जो हमारा फिटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। आगे की पार्ट्स की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, देखो अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी। शोल्डर लेंगे यहाँ से इसी तरफ से 5 इंच, ऊपर का थोड़ा सा छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे के लिए नेक लेंगे 6.5 इंच, नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, नेक हो गया, फिर यहाँ पे 5 इंच, फिर यहाँ पे 6.5 इंच, फिर 1/4 इंच का हम शेप लगाएंगे, ठीक है। और फिर ये 6.5 का जो पॉइंट है ना, इस पे हम यहाँ पे चेस्ट की ड्रॉ करेंगे। चेस्ट है हमारा 7/8, 1/4 इंच, 1/2 इंच का हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 9.5 इंच, 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया, बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ होगी हमारी 11 इंच, ये 11 इंच हो गई है। 11 इंच पे हम यहाँ पे स्ट्रेट बना लेते हैं ये।
अभी कुछ बहने कह रही थी कि हमारा जो ऊपर का ये बेल्ट का पार्ट है छोटा हो जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपका बेल्ट का पार्ट छोटा क्यों होता है। देखो बेल्ट 33 का ये चेस्ट है, ठीक है, इसका यहाँ पे हमने 11 इंच नीचे इस बेल्ट की हमें कटिंग करनी है। इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा कितना लेना हुआ, सबसे पहले तो हम ये जो डार्ट लगाते हैं ना वो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये डार्ट मैं लगाऊंगी साइड वाली हाफ इंच की, यहाँ पे मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, ये तो मैंने यहाँ पे 1/4 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये हमारी यहाँ पे ऐसे होगा। अब आपको ये बताऊं कि मैंने ये क्यों एक्स्ट्रा लिया है, ये वाली जो डार्ट अभी लगाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट डार्ट लगाएंगे चेस्ट का 10वां भाग 3/4 और इसके बाद में 1/4 इंच प्लस में 3.5 इंच पे। यहाँ पे हम फर्स्ट जो है प्लेट्स लगाएंगे या डार्ट लगाएंगे 4 डार्ट के ब्लाउज में, और इसकी जो डार्ट की लेंथ होती है वो यहाँ पे देखिए हम 1/4 इंच पे यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट, ये 1/4 इंच का ये डार्ट होगी हमारी 3.5 इंच की, 3 इंच या 3.25 इंच की, इस तरह से लगभग ये डार्ट होती है। इसकी चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच की, 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच इस तरफ, और इसको आप एस में मिला देंगे ऐसे, तो ये हमारा फर्स्ट डार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे होगी हमारी, ये होगी हमारी 2.25 इंच की, और ये मैं सिर्फ लगाऊंगी 1/4 इंच की या फिर लास्ट 1/2 इंच की, आप इसको अपनी चाहे जी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे डार्ट होगी। अब ये जो थर्ड डार्ट यहाँ पे लगाएंगे, ये वाली और ये वाली जो डार्ट होगी तो आपके ब्लाउज की लेंथ को कम करेंगी और यहाँ पे कटोरी बनाएगी। ये जो हम प्लेट्स लगाते हैं ना, इसी से हमारे ब्लाउज की जो कटोरी टाइप है वो बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच की मैंने डार्ट की लेंथ ली है, और इसकी जो चौड़ाई लूंगी वो मैं लूंगी 1/2 इंच की, तो 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच हमारी इस तरफ हो जाएगी। टोटल इसकी जो चौड़ाई हो गई है यहाँ से वो हो गई 1/2 इंच की, तो 1/2 इंच की ये लेंथ कम हो जाएगी, और ये लेंथ जो कम होगी वो हमने यहाँ पे बढ़ा दी है, बस यही है। यहाँ पे हम 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा राउंड शेप लगा देंगे, तो ये हमारे आगे का राउंड शेप हो गया है, ठीक है। और ये फोर्थ डार्ट अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, और इसी के साथ मैं यहाँ पे कटिंग भी कर लूंगी। ये मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की लेंथ ली है, और इसको मैं हल्का हल्का 1/2 इंच के अंदर अंदर, क्योंकि मैंने चेस्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, मैं यहाँ पे इसके 1/2 इंच के अंदर अंदर ही इसकी जो डार्ट है वो लूंगी, ठीक है ना, 1/2 इंच से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैं नहीं लूंगी यहाँ पे। तो ये डार्ट की जो चौड़ाई होगी वो 1/2 इंच से अंदर अंदर होगी। अब आप इसको बिल्कुल यहाँ से इस तरह से कटिंग कर ले। अब देखिए यहाँ पे हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी होगी, क्रॉस पट्टी है 6.5 कमर और 1/4 इंच सिम के लिए, तो ये होगी क्रॉस पट्टी की लेंथ, ठीक है। और इसके बाद 2 इंच का मार्जिन, ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ लेंगे हम 3.5 प्लस सिम का हो गया है 4 इंच, इसकी लेंथ लेंगे हमने 4 इंच, 4 इंच है, हम यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 4 इंच। अब ये जो आपको 1/2 इंच ऊपर और दिखाई दे रहा है क्रॉस पट्टी के लिए, यहाँ पे हम जो हमने ये राउंड शेप निकाला था यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे 26 इंच कमर के अकॉर्डिंग क्रॉस पट्टी की कटिंग हो गई है। तो इस प्रकार से आप जो है ब्लाउज की कटिंग करें, और स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। बाजू की कटिंग भी मैं अभी आपको बता देती हूँ साथ ही साथ में, हो गई है कटिंग यहाँ पे। बाजू की लेंथ थी हमारी 4 इंच, तो मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 4 फोल्ड में 2 फोल्ड नीचे 2 फोल्ड ऊपर हो गई है। 4 इंच तैयार करनी तो आपको 4.5 इंच लेने होंगे, मैंने 4.5 इंच ले लिए हैं। यहाँ पे मैं 2.25 इंच ले रही हूँ, यहाँ से नीचे भी मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आरमोल लूंगी, आरमोल के लिए मैं बेक साइड का पार्ट्स ले लेती हूँ, और बेक साइड के पार्ट्स में फिटिंग पॉइंट से, और यहाँ पे हम लेंगे तो ये आ रहे हैं 6.5 इंच, 6.5 से 1 पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने 6.5 से 1 पॉइंट ज्यादा ले लिया है, ये हमारा यहाँ पे आर्महोल हो गया है, ठीक है। और यहाँ से भी आपको होगा 6.5 इंच, कितने थे हमारे बॉटम्स थे 6.5 इंच, तो आपको इसको ऐसे मिला देना है, इस पॉइंट को आपको ऐसे मिला देना है, ये तो एक डायरेक्टली मिलाना है। इसके बाद में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना होगा, और इसके बाद में यहाँ से भी 2 इंच का मार्जिन लेना होगा, मार्जिन पॉइंट को आपको ऐसे मिलाना है। अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना है, देखो ये वाली जो लाइन है ना इसको ओके करना है,
इसके लिए आपको पहले बैक साइड है, बैक साइड में ऐसे गोलाई देते हुए और ऐसे आपको कर लेना है। ये यहाँ पे आपकी बाजू यहाँ तक कम्प्लीटली हो गई है। अब यहाँ पे मुझे अपनी बाजू का हाफ इंच का जो है शेप लगाना होता है। हाफ इंच पे मैंने ये पॉइंट लगा दिया है, ये पॉइंट हाफ इंच का है। अब यहाँ पे एक पत्ती नुमा ड्रॉ करना है, तो आप देखिए कैसे करती हूँ मैं। इस तरह से आप जो सीखने वाली बहने हैं वो इस तरह से पत्ती ड्रॉ करके फिटिंग पॉइंट में ले आए। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करके आपको सुंदर सी पत्ती ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये हो गई है यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बाजू की। तो देखिए बाजू की यहाँ ऐसे कटिंग करेंगे आप, इसके बाद ऐसे ही बिल्कुल परफेक्टली हमारी कटिंग हो गई है। अब हम दो बाजू को लेंगे, बैक साइड के पार्ट्स को छोड़ देंगे और ये आगे की है ना, ये फिटिंग पॉइंट है। फिटिंग पॉइंट से यहाँ से हम इस ये देखिए ऐसे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे करते हुए आप इस प्रकार से आगे का जो शेप है वो आप लगा दीजिएगा। बहुत ही सुंदर आपका शेप लगेगा और इसकी प्रैक्टिस आप कागज पे कीजिएगा। ये देखिए ये मैंने शेप पॉइंट यहाँ पे निकाल दिया है और शेप पॉइंट निकालने के बाद आप बाजू की देखिए किस प्रकार से ऐसे ही आपकी बाजू आनी चाहिए। इसका जो शेप है बाजू का ऐसा होना चाहिए। मिडिल सेंटर पे आप कट लगाएंगे, फिटिंग पॉइंट पे आप कट लगा देंगे ताकि आपके जो फिटिंग पॉइंट है सब भी बराबर मिले और इसके बाद आगे से जो आपकी ऑफ बाजू है इसको आप खोल ले। अब बिल्कुल आप सारे पार्ट्स जितने हमने कटिंग किए ना बिल्कुल बराबर में और आपको साड़ी के फैब्रिक में कटिंग कर लेना है। तो मैं स्पेस सभी पार्ट्स को कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमने सारे जो पार्ट्स है वो कटिंग कर लिए हैं, बेल्ट पार्ट, क्रॉस पट्टी पार्ट्स, बैक साइड पार्ट्स और बाजू का। अब हम सबसे पहले बैक साइड जो डिजाइनर बैक साइड है उसकी हम आपको स्टिचिंग बताएंगे और बैक साइड की डिजाइन की स्टिचिंग बताने के बाद हम आगे के पार्ट्स की स्टिचिंग आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिएगा फुल वीडियो को ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए और पूरा ब्लाउज स्टिच लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस वीडियो में आप देखिएगा फुल ट्यूटोरियल बेल्ट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग विथ डिजाइनिंग। आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउज के बैक साइड में डिजाइंस और बहुत ही सुंदर विदाउट पेस्टिंग हमारी जो डिजाइंस होगी उसमें हम किसी प्रकार की पेस्टिंग का यूज नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ फैब्रिक से और डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग दिखाएंगे। कटिंग स्टिचिंग की वीडियो को आप फुल देखिएगा ताकि आपको समझ में आए और ये हमने अपने ब्लाउज के बैक पार्ट के अकॉर्डिंग पेपर की कटिंग कर ली है ड्रॉ करके और अब मैं आपको यहाँ पे डिजाइन्स की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखा रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो लाइक हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। We'll be right back.
We'll be right back.